तब तक बड़ी खबर आ रही है, पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी और ऐसे में इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को रद्द कर दिया है। तो नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका, शराबबंदी को लेकर जगह जगह उनकी तरफ से अभियान भी चलाया जा रहा था, यहां तक कि वो यूपी भी गए थे, मध्य प्रदेश भी गए थे और इस तरीके की कार्यक्रम की उन्होंने वहां पर शुरुआत की थी। लेकिन कह सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उससे नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। तो बिहार में शराबबंदी को रद्द कर दिया गया है, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। तो बिहार में शराबबंदी को लागू करके नीतीश कुमार यूपी की सियासत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, यहां तक कि वो मध्य प्रदेश में भी अभियान की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। और इस वक्त हमारे संवाददाता पटना से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक बड़ा झटका नीतीश सरकार के लिए। देखिए, नीतीश सरकार के लिए दिव्या ये बहुत बड़ा झटका है, जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार पूर्ण शराबबंदी लागू करवा करके अपने पीठ थपथपा रहे थे, लगातार बिहार के अलावा बाहर के राज्य की भी बात कर ले, जहां भी वो जाते थे पूर्ण शराबबंदी की वकालत वो करते थे, पुरजोर तरीके से पूर्ण शराबबंदी को रखते थे और लागू कराने की जो वकालत है वो उन राज्यों के मुख्यमंत्री से भी वो करते थे। लेकिन आज चूंकि पटना उच्च न्यायालय ने इनकी पूर्ण शराबबंदी जो कानून इन्होंने बनाई थी, नहीं कानून इन्होंने संशोधित करके बनाया था, उसे ही रद्द कर दिया है और सीधे तौर पे कहा है कि कहीं से भी उचित नहीं है, जिस तरह से कानून में फेरबदल वो कहीं से उचित नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, राज्य सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये राज्य सरकार के लिए, नीतीश कुमार के लिए खासतौर पर एक बड़ा झटका है। बिल्कुल, आप अमित बने रहिए, मैं साथ में लौटूंगी आपके पास। तो नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका कह सकते हैं, पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है जिसमें शराब के लिए जो कानून बनाया गया था उसको रद्द कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी।